मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कटनी में भाजपा विधायक संजय सत्येंद्र पाठक के निवास पर पहुंचे। भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस दौरान उनके साथ रहे। कटनी में यादव ने लिफ्ट इरिगेशन योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कटनी के बोहरी बंद में लिफ्ट इरिगेशन योजना का शुभारंभ किया। सीएम यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा भाजपा संगठन के सदस्यता अभियान में भी शामिल हुए, जिसके बाद ये दोनों नेता विजय राघवगढ़ से विधायक संजय पाठक के निवास पर पहुंचे और विधायक संजय पाठक के घर विराजे भगवान श्री गणेश जी की आरती में शामिल हुए। इस अवसर पर पाठक परिवार के लोगों ने सीएम यादव का आत्मीय स्वागत किया और विधायक संजय पाठक ने मुख्यमंत्री को शाल श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट किया। कटनी हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, उसमें एक विधानसभा का बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का सदस्यता अभियान में हिस्सा लेकर के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि सदस्यता अभियान पूरे देश में चल रहा है। मैं प्रदेश, जिला, मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ सभी स्तर के सभी कार्यक्रमों में सदस्यता के शामिल हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यहाँ के हमारे माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जो भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, यहीं के विधायक संदीप जायसवाल जी, उनके विधानसभा में सदस्यता अभियान में शामिल हुआ। उसके पहले बहुरी बंद में एक बहुत बड़ा बहुउद्देशी एक प्रोजेक्ट जिसमें सिंचाई की सुविधा लगभग 1000 करोड़ से बड़ा प्रोजेक्ट था, उसी प्रकार से समतुल्य मूल्य के 1000 से ज़्यादा करोड़ के अलग अलग निर्माण कार्यों का भी भूमि पूजन लोकार्पण किया गया। कटनी के विकास को लेकर के हमारी सरकार बहुत गंभीर है और न केवल कटनी बल्कि पूरे प्रदेश के कामों को लेकर जिस ढंग से हमने काम का प्लान बनाया है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये सारे कामों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। कटनी तो हमारा बहुत महत्व का केंद्र है, व्यापारिक दृष्टि से भी है, इकोनॉमिक दृष्टि से भी ये सर्वाधिक आय का केंद्र भी है। इसके सुव्यवस्थित प्लान विकास का बनाने वाले हैं, बहुत जल्दी दोबारा मैं यहाँ आऊँगा। मेरे साथ माननीय वी डी शर्मा जी हैं, हम सब मिल करके इस विकास के लिए चारों विधायकों के साथ माननीय सांसद जी और हम सब कटिबद्ध। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।